अच्छा है, थोड़ा ठंड की वजह से थोड़ा पौधा रुक गया था, लेकिन जैसे जैसे गर्मी हुई है हाँ हाँ ग्रोथ हुआ है। तो स्पेशली ये गर्मी का फसल है। हाँ गर्मी का है। तो सर जैसे आपने रोपाई किया था तो उसके बाद सबसे पहला बेसल कब दिए थे आप सर? पहले तो हमने चार चार दाना डीपस कंट्रोल करना जरूरी है, रोको चलाना पड़ता है, तो जैसे सर जिस हिसाब से फंगस है ब्लाइट है, अगर पौधे में सड़न वगैरह हो रहा है तो रोको से, नहीं तो कॉपर बेस्ड फंगिसाइड चलाना है। नॉर्मल है तो M45 चला दिए, एंट्राकाल चला दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त, और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। देखिए काला वाला बैंगन है, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे पूरा लगा हुआ है, और ये बैंगन है BNR का नवीना। हम किसान से भी पूछ लेंगे, एक बार कंफर्म कर लेंगे उनसे भी। और आप देखिए बहुत जोरदार लगा हुआ है और एकदम स्वस्थ पौधा है, और फल भी लगे हुए इसमें, काफी सारा फल लगा हुआ है और बेहतरीन फूल भी है। आप देख सकते हैं और इससे सीख सकते हैं, और आप भी ऐसी खेती कर सकते हैं दोस्तों। तो आप देखिए पूरा पूरा बैंगन लगा हुआ है, पूरा नीला वाला बैंगन है, काला वाला बैंगन है, आप देख सकते हैं, और आप ऐसी खेती कर सकते हैं। आइए हम किसान से पूछते हैं कि उन्होंने कब इसकी रोपाई की थी और क्या इसका रेशियो, कैसे फलता है, कैसे निकलता है। तो आइए चलिए किसान से बात करते हैं। चलिए दोस्तों नमस्कार सर। नमस्कार तो सर आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई सर। जी, तो कैसे हैं सर आप? बढ़िया है एकदम। तो सर आप सबसे पहले मैं बताइए कि कौन सा बैंगन है? यह है VNR का नवीना, तो ये कोई नया नाम सर मार्केट में आया, VNR ने कब लॉन्च किया था इसको सर? है तो ये सीड बहुत दिन का, लेकिन हाँ हमने पहली बार लगाया इसको। अच्छा, तो आपने VNR का नवीना लगाया, क्या इसका अच्छा रिजल्ट रहता है सर? सुना तो है, हमने इसीलिए लगाया है। तो सर आप इसके बारे में कुछ बताइए, जैसे आप ये बताइए कि VNR का जो भी वैरायटीज रहते हैं उनमें आपने नवीना ही क्यों चूज किया था? हम पहले 212 नंबर लगाते थे हाँ VNR का, उसमें थोड़ा शिकायत था, जैसे क्या बोलते हैं तना छेदक का, फोंक कोई काट देते हैं उन लोग। हाँ हाँ इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा शिकायत कम है हाँ और इसका जैसे कि सर प्रोडक्शन मैं आप देख भी। रहा हूँ आप में, ये यहाँ पे ये जो हाँ ऐसा ही कुछ लगता है सर। जी, हाँ तो ये बताइए सर कि आपने इसकी रोपाई कब की थी? ये हमने लगाया था करीब जनवरी में। जनवरी में लगाए थे सर आप? हाँ 10 10 के आसपास। 10 जनवरी के आसपास लगाए थे, तो उसके हिसाब से सर काफी ग्रोथ में आपका पौधा। हाँ बच्चा है, थोड़ा ठंड की वजह से थोड़ा पौधा रुक गया था, लेकिन जैसे जैसे गर्मी हुई है हाँ हाँ ग्रोथ हुआ है। तो स्पेशली ये गर्मी का फसल है। हाँ गर्मी का है। तो सर जैसे आपने रोपाई किया था तो उसके बाद सबसे पहला बेसल कब दिए थे आप सर? पहले तो हमने चार चार दाना DAP डाल के हाँ नीचे, उसके बाद इसकी रोपाई करी थी। हाँ उसके बाद थोड़े दिन बाद DAP यूरिया और पोटाश 10 15 दिन बाद डाला बेसल के तौर पे। उसके बाद ऐसे 15 दिन बाद फिर से रिपीट किया था। अभी ग्रोथ अच्छा है, माइक्रोन्यूट्रेंट भी मिक्स किया था और स्प्रे के साथ भी चला है। तो सर जैसे मान लीजिए कि मेरा पौधा पूरा, जैसे अभी आपका पौधा जो है पूरा ग्रोथ में आ रहा है और काफी फूल फल दिख रहे हैं इसमें, हाँ तो फ्लावरिंग स्टेज में है हाँ और तो फ्लावरिंग स्टेज में है, तो इसको इसका फ्लावरिंग अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो फिर क्या इस पर छिड़काव करेंगे? हाँ इसमें क्या है, इसको अच्छे से पूरा इसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं पूरे हाँ करना पड़ेगा इसको, उसके हिसाब से जैसे जितना ग्रोथ होगा उतना फूल दिखेगा। तो मतलब जैसा ग्रोथ होगा उस हिसाब से फूल दिखेगा। तो मान लीजिए इसमें फूल झड़ने का भी शिकायत होता है, तो उसको रोकने के लिए क्या चलाना पड़ता है? उसके लिए क्या है कि फेंटेक वगैरह चला सकते हैं हाँ हाँ जो फूल को रोकता है, और बाकी तो टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा उससे ज़्यादा तो फूल तो झड़ना ही है। सर बैंगन में मैंने एक शिकायत देखा है बहुत सारा, कि बैंगन ना पूरा अच्छा दिखता है, आपका फल जो रहता है पूरा अच्छा दिखता है, लेकिन कहीं कहीं से उसमें छेद दिखता है। ठीक है, तो बैंगन है, बैंगन में क्या है कीड़े बहुत लगते हैं, हाँ उसके लिए हम लोग दवाई चलाते हैं, जैसे कि ब्रोफिया चला सकते हैं। आपको इल्ली इल्ली की दवाई स्पेशली चलाना पड़ता है, और इसमें क्या है माइट्स और थ्रिप्स एफिड ज़्यादा लगता है। जैसे कि आपके अभी पौधे कोई लाएंगे तो देखेंगे कि एफिड लोग बहुत बहुत काफ़ी मात्रा में लगते हैं। इसमें हमेशा सकिंग पेस्ट का दवाई चलाते रहना पड़ता है, तो सर सेकंड पेस्ट का दवाई का कुछ बताइए। जैसे थ्रिप्स का दवाई है अपन डेलीगेट भी चला सकते हैं, उससे भी थ्रिप्स कंट्रोल होता है। और एफिड वगैरह के लिए एसीटा चला सकते हैं और उलाला चला सकते हैं। मान लीजिए हमारे फसल में फंगस लग जाता है तो उसके लिए क्या दवा चलाते हाँ हैं? फंगस के लिए हम लोग चलाते हैं, इसमें रेगुलर ही फंगस के लिए चलाते रहना पड़ता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले, अभी कल ही बारिश हुआ है, देख सकते हैं हम नाली गीला है, उसके लिए हमेशा, अब आज के वो अभी धूप है थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है, आज ही इसमें हम लोग अल्ट्राकाल चलाएंगे या फिर M45, मतलब रेगुलर, जैसे अब पानी गिर गया या फिर कोई टेम्परेचर का अप्स एंड डाउन है उसके हिसाब से हमको चलाते रहना पड़ता है। 15 दिन 10 दिन पे कवच चलाना पड़ता है। अच्छा, मतलब ये सब फंगस को रोक लेता है। हाँ फंगस कंट्रोल करना जरूरी है, रोको चलाना पड़ता है।
जैसे सर, जिस हिसाब से फंगस है ब्लाइट है, अगर पौधे में सड़न वगैरह हो रहा है तो रोको से, नहीं तो कॉपर बेस्ड फंगीसाइड चलाना है। नॉर्मल है तो M45 चला दिए, एंट्राकाल चला दिए, कवच चला दिए। तो सर जैसे मान लेते हैं कि ये गर्मी का फसल है, तो गर्मी में कुछ स्पेशल दवाई चलती है या फिर नॉर्मली जो आप बता रहे हो? नॉर्मली यही सब दवाइयां चलती है। कुछ टेम्परेचर के लिए कोई थोड़ा हमेशा, अब जैसे नाली में खुला लगा हुआ है तो इसके लिए टेम्परेचर कम करने के लिए हम लोग हमेशा इसको 3-4 दिन में पानी देते रहते हैं। मतलब गर्मी का फसल है तो 3-4 दिन में पानी रेगुलर देना पड़ेगा? हाँ, देना पड़ेगा। अगर सर मान लीजिए कि ये ड्राई एरिया है, अगर पानी पूरा नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा पौधे पे? हाँ बिल्कुल, वो प्रोडक्शन नहीं मिल पाओगे आप। अच्छा ठीक है सर, इतनी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो सर आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। जी तो दोस्तों कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।